ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। आत्मा के कारक सूर्य के राशि परिवर्तन करने का असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह से अवश्य पड़ता है। ऐसे ही सूर्य 14 मार्च 2024 यानी आज 12:23 पर गुरु की राशि यानी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति हो रही है। मीन राशि में सूर्य के होने से कुछ राशियों के जातकों को लाभ मिलेगा तो कुछ को संभल कर रहने की जरूरत है। सूर्य के मीन में गोचर होने से किन राशियों की मुश्किल बढ़ेगी, इस बारे में बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य। लोकल 18 से बातचीत के दौरान देवघर के पंडित जी ने बताया कि आज सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने वाला है और 13 अप्रैल तक इसी राशि में रहने वाला है। वहीं मीन राशि में पहले से ही राहु विराजमान है, जिसका प्रभाव 3 राशियों के ऊपर नकारात्मक पड़ने वाला है। सेहत सही नहीं रहेगी, धन हानि के प्रबल योग बन रहे हैं। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो दुर्घटना का योग बन रहा है। इसलिए जानते हैं देवघर के पंडित जी से कि कौन सी है वो 3 राशियां। ज्योतिषाचार्य जी, सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो ये जो राशि परिवर्तन है किन राशि वालों के लिए हानि रहने वाला है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और क्या क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। सूर्य भगवान राशि बदलने जा रहे हैं। 14 मार्च को सूर्य भगवान गुरु की राशि जो मीन है उसमें प्रवेश करेंगे, और जब गुरु की राशि मीन में प्रवेश करेंगे तो उनका सीधा प्रभाव 3 राशि वालों पर नकारात्मक पड़ने जा रहा है। नकारात्मक प्रभाव सूर्य भगवान का पड़ेगा तो 3 राशि वालों को 1 महीना तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। 3 राशि वाले जो हैं वो मिथुन, सिंह और तुला, ये 3 राशि वाले वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि सूर्य जो है वह शरीर के देवता है और शरीर में शारीरिक कष्ट की संभावना हो सकती है। इसलिए ये 3 राशि वाले विशेष रूप से सतर्क होकर के जब तक सूर्य मीन राशि पर रहेंगे तब तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोकल 18 देवघर से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।